फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित सेतु अभ्यास क्रम का टेस्ट नंबर 2। इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, जो कि हिंदी में पूरा मैंने ट्रांसलेट किया है। मराठी और इंग्लिश में ये अवेलेबल है, हिंदी में नहीं मिल रहा है। तो ये टेस्ट 2 ये भी 15 नंबर का है। ये कक्षा 8वीं के लिए है और इसका टाइम 1 घंटा दिया है। इसमें 2 प्रश्न है, एक 5 नंबर का है, एक 10 नंबर का है। पहले प्रश्न में 5 जो है उप प्रश्न हैं, सब क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ फ्रेंड कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो है बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मेरा जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह 9वीं का भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी अगर देखिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। देखिए, पहले प्रश्न में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला सब क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त में चाप का मान डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त में चाप का मान कितने डिग्री होता है, कितने डिग्री होती है, कितने अंश का होता है? तो देखिए, हमें पता है कि जो है वृत्त इस तरीके का होता है और वो 360 का होता है। उसको आधा कर दिया जाए, पूरा वृत्त के अंतर कोणों का माप 360 होता है, 360, और अगर इसको आधा कर दिया जाए तो उसका आधा मान 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 180 डिग्री। ठीक है, आगे आते हैं। एक सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। ये आपने 8वीं में पढ़ा है, लेसन नंबर 14। इसका भी पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। देखिए, इसके बाद तीसरा है कि 2x + 3y, एक ये भी डॉट है, डॉट कौन सी राशि है? तो यहाँ पे लिखेंगे द्विपद राशि है। इसमें 2x एक पद है, प्लस 3y दूसरा पद है, तो एक पद द्विपद, तो क्या हो गया, द्विपद राशि। ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद चौथे, इसी में चौथा दिया हुआ है कि a^m × a^n, तो क्या हो जाएगा? तो जब आधार समान हो, जब गुणा की स्थिति में आधार समान हो, तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो a^m + n हो जाएगा। ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर 2 या 3 है, 8वीं में है, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। फिर 5वें प्रश्न पर आते हैं। पहला का 5वां प्रश्न दिया क्या है, प्रश्न में दिया है कि यदि आप एक दिन में 10 पेज पढ़ते हैं तो एक पुस्तक 15 दिन में पढ़ी जाती है। ठीक है फ्रेंड, 10 दिन में कितना, 15 पेज पढ़ी जाती है। यदि आप प्रतिदिन एक ही पुस्तक के 15 पृष्ठ पढ़ेंगे, मतलब जो पुस्तक है वही पुस्तक के 15 पृष्ठ पढ़ेंगे, तो आप 10 दिनों में पुस्तक को समाप्त कर देंगे। यह डैश, यहाँ पर रिक्त स्थान है डैश का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे ये 7वां चैप्टर है 8वीं के मैथ का। यहाँ पर ये उदाहरण होगा प्रतिलोम विचरण का, प्रतिलोम विचरण। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है। कैसे प्रतिलोम विचरण होगा ये, इसलिए ये प्रतिलोम विचरण है कि यहाँ पर देखिए एक बढ़ रहा है, 10 दिन में 15 पुस्तक पढ़ रहे हैं, और फिर जब पेज घटा है तो दिनों की संख्या 15 है, और जब 10 दिन आया तो पुस्तक पृष्ठों की संख्या 15 हो गई। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये प्रतिलोम विचरण में होता है। मतलब कि मान लीजिए कि हमने p = page हो गया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d = d हो जाएगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ये प्रतिलोम विचरण का एक प्रारूप होता है। ठीक है, 7वां लेसन है ये 8वीं के मैथ का। इसके बाद आते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न का पहला है सवाल, ये 10 नंबर के लिए है। इसमें 5 सवाल हैं, एक प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का आता है। तो एक खेत की जुताई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए 6 मजदूर कितने दिन में करेंगे या कितने दिन लेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है जो है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका पूरा स्टेप होता है, यहाँ पे जैसे लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है, मजदूरों की संख्या बराबर कितनी है, मजदूर मतलब लेबर हो गया, तो L बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, और दिन
मतलब डी कितना हो गया तब 12 लगते हैं। फिर अगर मजदूर 6 हो गए मतलब दूसरे स्टेप में एल जब 6 हो गए तो कितने दिन लगेंगे, तब दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें पता है कि दिया है, हम क्या जानते हैं, हमें सूत्र पता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि L L एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। L मतलब लेबर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D, मतलब लेबर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ मतलब डे, ठीक है। तो ये जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो अल्फा हटाएंगे तो L बराबर के बटा डी हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं के बराबर एल गुड़े डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसलिए के बराबर पहले से 5 और 12 दिया है तो 5 गुड़े 12 करेंगे तो के का मान आ जाएगा के बराबर 12/25/60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12/25/60 आ गया। अब देखिए क्या करना है हमें, ये तो के का मान हमें समीकरण एक प्राप्त हो गया। अब दूसरे सवाल में दिया एल का मान 6 दिया है तो D का मान ज्ञात कीजिए, K का मान हमें पता हो गया। तो सूत्र से ये दूसरा मान लीजिए, ये पहला समीकरण मान लीजिए। तो सूत्र से या समीकरण से K बराबर L गुणे D, K का मान 60 है, ठीक है, L का मान गुणे बराबर 6 दिया है और D का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए ये जब D 6 बराबर किधर आ जाएगा तो D बराबर 60/6 हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 दाम में 60, डी बराबर 10 दिन, ठीक है। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न है का दूसरा नंबर है कि यदि 1700 रुपये का 10% पर वर्ष की दर से 2 वर्ष पश्चात कितना ब्याज होगा, मतलब 1700 रुपये का जो कि मूलधन है इसका दर 10 है कि दर से समय n बराबर 2 वर्ष है तो उसका ब्याज कितना होगा। तो चूंकि हमें पता है पहले प्रश्नानुसार जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है सवाल में वो लिख लेते हैं। मूलधन, मूलधन को क्या बोलते हैं, मूलधन मतलब पी, पी का मान कितना दिया है 1700 रुपये दिया है, ठीक है। उसके बाद दर यानी कि आर, आर का मान कितना दिया है 10%, ठीक है। समय, समय यानी कि यन, यन होता है यन, ये दिया है 2 वर्ष, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, ब्याज, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, आई का मान पूछ रहा है सवाल में। जो जो चीज़ें हैं इजीली लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सूत्र पता है, कौन सा सूत्र लगता है, एक सूत्र है ए बराबर, ए मतलब क्या, मिश्र धन बराबर पी मूलधन गुड़े ब्रैकेट में 1 + r/100 n, ठीक है। ये तो हमारा मेन सूत्र हो गया। अब इस सूत्र पे मान रखेंगे, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर पी कितना दिया है 1700 लिख लेंगे, गुड़े ब्रैकेट में 1 + r कितना दिया है 10/100 n, मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1700 या 100 एकम 100 में क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे 110, 100 एकम 100 हो गया और 100 में 10 जुड़ गया तो 110/100 हो गया, घाते 2 हो गया। इसलिए इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 1700 गुड़े 110/100 गुड़े 110/100, क्यों, क्योंकि इसके घाते 2 है तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब ये जीरो जिससे जो जो कटता है उसको काट देते हैं, ये दोनों जीरो इस दोनों को काट दिया, ये जीरो इसको काट दिया, ये जीरो इसको काट दिया, तो बचा क्या 17 × 11 × 11, ठीक है। तो 17 × 11 तो 11 × 11 कितना होता है 121, 17 × 121, 121 में जब 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 847, 121 2057 आएगा। तो ए का मान आएगा 257, ठीक है। चूंकि सवाल में पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट आई बराबर क्या होता है, आई बराबर ए माइनस पी, इंटरेस्ट ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ए का मान कितना आया है 2057,
57 माइनस पी का मान कितना है 1700, तो 2057 में से जब 1700 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 357 रुपये, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे में तीसरा सवाल दिया है जो कि ये भी दो नंबर के लिए है। दिया है कि -10/11 - -11/10, ठीक है, इसका भाग करना है तो क्या आएगा, तो कैसे इसको करेंगे। देखिए, हमें पता है कि जब भी भिन्न का भाग होता है, परिमेय संख्याओं का जब भाग करते हैं तो भाग करते समय तो पहला पार्ट तो वैसे का वैसे लिख लेते हैं, -10/11, ये पार्ट क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है उसको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कैसे होता है भिन्न का भाग। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जब गुणे का चिन्ह करते हैं तो ये जो हर होता है वो अंश हो जाता है और जो अंश होता है वो हर हो जाता है, ठीक है, उल्टा कर देते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे का साइन हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से गुणा कर देते हैं। तो -10 में 10 का गुणा करेंगे तो -100, 10 दाम में 100 होता है, और फिर 11 में -11 से गुणा करेंगे तो 11 ग्राम -121, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और तो कितना उत्तर आएगा 100/121, यही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़े, जोड़ करना है, किसको जोड़ना है, 3x³ - 12y² ठीक है, सॉरी 13x³ - 12y² कॉमा, मतलब जोड़ना किससे है, 6x² - 8y², इन दोनों को जोड़ना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हल करते समय, 13x³ - 12y² इसको जोड़ना है ना, तो ऐसे जोड़ देंगे 6x² - 8y² जोड़ का साइन लगा दिया। अब देखिए जोड़ते समय ये क्यूब है ये स्क्वायर है तो ये दोनों तो जुड़ नहीं सकता, अगर ये भी स्क्वायर होता तो ये इजीली हो जाता आसानी से, लेकिन ये है नहीं है, तो लिख सकते हैं 13x³ + 6x² इसका इसमें जोड़ दिए, ये जुड़ता नहीं है इसलिए ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो इसमें जोड़ना घटाना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे देखिए जब क्या है, इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ की साइन होगी तो ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा वाला चिन्ह लगाओ, तो यहाँ पे 12 जो है 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 8 * 4 = 4y² माइनस में आएगा, -4y², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, इसका आखिरी सवाल है ये। यहाँ पे दिया है कि -12/7 - -12/7 मतलब -12^7 / -12^7 तो कैसे इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आधार इसमें समान है तो घातांक क्या होता है, सूत्र है, कौन सा सूत्र है, a पावर x / a पावर y आधार देखो ये भी a है ये भी a है तो घातांक क्या होते हैं तो a पावर x - y हो जाता है। ये सूत्र के हिसाब से तो आधार इसका क्या है तो -12^7 - 7 हो जाएगा, x भी 7 है y भी 7 है तो 7 में से 7 गया तो -12^0 7 में से 7 गया 0। हमें ये भी एक और सूत्र होता है कि अगर a पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, किसी भी संख्या के अगर पावर 0 हो तो वो सदैव 1 के बराबर होती है, ये भी एक सूत्र है। तो यहाँ -12^0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा और ये आपका टेस्ट का पूरा सोल्यूशन है। अब मैं थर्ड टेस्ट लेकर आऊँगी, तब आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।